गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पाठ 11 जल की महत्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि इस पाठ में पानी को अमृत के तुल्य बताया गया है, क्योंकि जल के बिना प्राणी का जीवित रहना असंभव है। हमारे शरीर के उसके भार का लगभग 65% भाग जल से बना हुआ है और हमारे शरीर को हर दिन औसतन 2.5 से 3 लीटर जल की ज़रूरत पड़ती है। गर्मी के दिनों में पसीने के रूप में शरीर से अधिक मात्रा में जल निकल जाता है, इसलिए उन दिनों अधिक जल पीने की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के लगभग 71% क्षेत्र में जल भरा हुआ है और इस क्षेत्र को हम सागर कहते हैं। सागर में पृथ्वी का कुल उपलब्ध जल का 97% भाग पाया जाता है। शेष जल का जो 2/3 भाग है वो ध्रुव प्रदेशों में बर्फ के रूप में जमा हुआ है और इन दोनों ही प्रकार के जल का प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं। अपनी जल संबंधी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकने के उद्देश्य से ही मनुष्य ने प्राचीन काल में ही अपनी बस्तियों को नदियों के किनारे बसाई थी और आज भी हम उनका नामकरण उन नदियों के नाम पर ही करते हैं। वर्तमान काल में भी नदियों के किनारे अपेक्षाकृत घनी आबादी पाई जाती है, लेकिन आज विडंबना यह है कि हम जल की इस थोड़ी सी मात्रा को जो भी हमें उपलब्ध है उसे हम तेज़ी से प्रदूषित करते जा रहे हैं। आज हमारी अधिकांश नदियाँ गंदे नालों में परिवर्तित होती जा रही हैं और जलाशय गंदी पोखरे बनते जा रहे हैं। दिल्ली शहर के निकट यमुना नदी का जल इतना गंदा और प्रदूषित हो गया है कि उसे पिया तो नहीं जा सकता, यहाँ तक कि उसमें न तैरने का मन होता है और ना ही उससे ठीक प्रकार से कपड़े धोए जा सकते हैं। साथ ही उसमें अनेक रोगों के कीटाणु पनपते रहते हैं। यही हाल हमारी सबसे पवित्र नदी गंगा का हो गया है। किसी समय उसके पानी को सबसे पवित्र जल माना जाता था, परंतु अब अनेक क्षेत्रों में वह जल पीने लायक नहीं रह गया है। कानपुर शहर के नज़दीक तो उसका जल कपड़े धोने के लायक भी साफ नहीं है। उसमें अनेक उद्योगों के बेकार और विषैले पदार्थ इत्यादि डाले जाते हैं, यानी कि कल कारखानों से निकलने वाले केमिकल मिश्रित जल को इन नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे इन नदियों का जल प्रदूषित हो चुका है। साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में मानव मलमूत्र और घरेलू कचरा भी उनमें मिला दिया जाता है। हमारे देश में अनेक स्थानों पर भूमिगत जल भी कारखानों से निकलने वाले जहरीले पदार्थों के ज़मीन में सोख लेने के फलस्वरूप प्रदूषित हो रहा है। आजकल प्रदूषण की समस्या सागर तक भी पहुंच चुकी है और वह भी गंदा होता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप समय समय पर बड़ी संख्या में समुद्री जीव जंतुओं की मृत्यु होती जा रही है, क्योंकि समुद्र में घुलने वाले जहरीले विषैले पदार्थ और कूड़ा कचरों की वजह से समुद्र के जल में ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म होती जा रही है। जीव जंतुओं को सांस लेने में दिक्कत होती है और फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है और सागर तट पर बसे लोग अनेक कठिनाइयों के भी शिकार होते जा रहे हैं। जब जल में जहरीले पदार्थ घुल जाते हैं तो वो उसे पीने के अयोग्य बना देते हैं तथा हमारे शरीर को रोगी बनाते हैं। जल में ही हैजा, टाइफाइड, पीलिया, अंतराशोथ, डायरिया जैसे रोगों के कीटाणु पनपते हैं और उसी के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं, यानी कि पानी के द्वारा ही ये बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। चिकित्सकों का मत है कि हमारे देश में फैलने वाली महामारियों में से 80% जो बीमारियां होती हैं वो जल के कारण ही होती हैं। सभी जलजन्य हैं। नदियों और जलाशयों के किनारे लोग प्राचीन काल से ही बड़ी संख्या में रहते आए हैं। हजारों वर्षों से
उन्हीं का जल पीते रहे हैं, उसी जल में भोजन पकाते रहे हैं, खेती करते रहे हैं और उसे अन्य कामों में इस्तेमाल करते रहे हैं। साथ ही उन्हीं नदियों और जलाशयों में वे अपने घरेलू कूड़ा करकट भी फेंकते थे और मलमूत्र भी बहाते थे, तब वे प्रदूषित नहीं हुए। परंतु पिछले कुछ दशकों में उनका जल इतना गंदा और हानिकारक क्यों हो गया? जल में स्वयं को शुद्ध कर लेने की बहुत अधिक क्षमता होती है। कल कल कर बहता हुआ पानी वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके शीघ्र ही उसमें डाले गए कूड़ा करकट को हानिकारक रहित पदार्थों में बदल देता है। इस क्रिया में कुछ बैक्टीरिया और शैवाल भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कुछ दशक पहले तक संसार के अधिकांश देशों की आबादी काफी कम थी। उदाहरण के तौर पर सन 1947 में अविभाजित भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, पर आज हमारे देश की आबादी 100 करोड़ से अधिक हो चुकी है और तेजी से बढ़ती जा रही है। इससे नदियों से लिए जाने वाले जल की मात्रा बहुत बढ़ गई है। उनमें जल कम रह गया है, परंतु उनमें डाले जाने वाले घरेलू कचरे और मलमूत्र की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है। इसलिए नदियों और जलाशयों का जल दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गंदा होता जा रहा है। साथ ही उसे उद्योगों से निकलने वाले जहरीले पदार्थ यथा अम्ल क्षार, क्लोरीन, यौगिक नाइट्रेट आदि और जहरीला बना रहे हैं। नदियों और जलाशयों के पानी को भी शुद्ध करने और स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि कारखानों से निकलने वाले जहरीले पदार्थों को उनमें न डाला जाए। सभी शहरों और कस्बों में सीवेज व्यवस्था का निर्माण कर दिया जाए, सभी कस्बों में सीवेज व्यवस्था की निर्माण कर दी जाए और घरेलू कूड़े करकट को नदियों में बहा देने के बजाय किसी अन्य तरीके से ठिकाने लगाया जाए। अधिकांश कारखानों से निकलने वाले जहरीले पदार्थों को उचित उपचार द्वारा हानि रहित पदार्थों में बदला जा सकता है। इसी प्रकार समुचित व्यवस्था द्वारा मलमूत्र को गैस और खाद में बदला जा सकता है तथा घरेलू कूड़े करकट को जलाशय जलाकर बिजली बनाई जा सकती है। विकसित देशों में ऐसा ही किया जा रहा है। इससे न केवल वर्तमान पीढ़ी खुशहाल होगी बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी अधिक स्वस्थ और सुखी होंगी। यानी हमें अब इसका कोई एक अल्टरनेट साधन ढूंढना ही पड़ेगा जिससे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो इन प्रदूषणों से मुक्त रह सके। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।